पांडव नगर के एसआई राहुल ने गोली मारकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। लॉकडाउन में पिछले कई दिनों से बंद हैं दुकानें। पूर्व दिल्ली के सरकारी सेंटर में 45 प्लस लोगों के लिए वैक्सीन खत्म। दिल्ली की जनता वैक्सीन की कमी से हो रही है परेशान। पूर्व दिल्ली के व्यापारी गंभीर वित्तीय संकट का कर रहे हैं सामना। बाजारों को जल्द खोला जाना बेहद जरूरी। गांधीनगर के विधायक ने एलजी को लिखी चिट्ठी। दुकानदारों के बिजली के बिल, हाउस टैक्स, पानी का बिल हो माफ। लॉकडाउन में पिछले कई दिनों से बंद हैं दुकानें। और कृष्णनगर के गोयल हॉस्पिटल में दिल्ली पुलिस और संस्था ने बच्चों को कोरोना के बारे में दी जानकारियां। 10वीं पास बच्चों को कोरोना मरीज का इलाज करना बताया गया। महामारी के इलाज के बारे में बच्चों को बताया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर थाना की छत पर तैनात एसआई राहुल ने सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। राहुल के सुसाइड की जानकारी परिजनों को दी गई थी। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि राहुल ने ये कदम क्यों उठाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 18 प्लस के लिए जहां वैक्सीन की कमी होने की वजह से वैक्सीन सेंटर्स बंद करने पड़े थे, वहीं अब पूर्वी दिल्ली के एमसीडी हॉस्पिटल स्वामी दयानंद में वैक्सीन की कमी के चलते 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीन सेंटर आज बंद रहा। सुबह से ही लोग यहां वैक्सीन लगवाने आते हैं, लेकिन वैक्सीन सेंटर बंद होने की वजह से उन्हें बिना वैक्सीनेशन के घर वापस जाना पड़ रहा है। जनता का कहना है कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी की वजह से सभी को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। आपको बता दें, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में कोवैक्सीन लगाई जाती है। यहाँ पहले के मुकाबले डोज की संख्या में भी कमी देखने को मिली थी। यहाँ वैक्सीन डोज के हिसाब से आ रही है, जैसे कि कल 70 डोज आई थी। 70 डोज लगने के बाद वैक्सीन ख़त्म हो गई, मना कर दिया गया कि अब वैक्सीन नहीं है। आज सेंटर खुला है कोरोना वैक्सीन का, उसके बाद 9 बजे तक लोग बाग यहाँ बैठ के इंतज़ार किया। 100-150 आदमी की भीड़ थी, बट उसके बाद उनको मैसेज आया वहाँ से, डीएम ऑफिस से बता रहे हैं कि यहाँ पे वैक्सीन ख़त्म है। सर, ऐसा होता है कभी 150 डोज आती है, कभी 200 आती है, कभी 400 आती है। ये वहाँ से जितनी अवेलेबल होती है उसी के हिसाब से यहाँ भेजी जाती है। हाँ, क्योंकि जब स्लॉट बुक करा था ना हमने, अगर देखो स्लॉट बुक हो रहे हैं तो लग रही है फर्स्ट डोज जिसको, वैसे तो अब यहाँ पर फर्स्ट डोज नहीं लग रही है, सेकेंड डोज ही लग रही है। जिसका स्लॉट बुक है सेकेंड डोज का उसको भी लगेगी, जिसका नहीं है उसको भी लगेगी। मिनिमम डोज वही है 150-300, बस इससे ज़्यादा नहीं है। आज भाई मैसेज दिया इन लोगों ने कि डोज खत्म हो गई है, तो इसलिए सेकंड डोज हमें लगनी लग पाई। तो कह रहे वैक्सीन ही नहीं है यहाँ पे, 2 दिन हो गए वैक्सीन नहीं ख़त्म है। नहीं, ऑनलाइन मैंने चेक भी नहीं करी है, मैं सेकंड डोज लगवाने आया था तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। बोले वैक्सीन है ही नहीं यहाँ पे, फॉर्म भरा हुआ है हमारा। ये कहाँ भरा गया था? ये स्टेट बैंक से। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के बाद जहाँ फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन के काम को इजाज़त दे दी गई थी और केवल ज़रूरी सामानों से जुड़ी दुकानें खोली जा रही थी, तो दूसरी तरफ बाजार पूरी तरह से बंद पड़े थे। और बाजार बंद होने की वजह से सबसे ज़्यादा असर कारोबारियों पर पड़ रहा है। वहीं कारोबारियों का कहना है कि 7 तारीख के बाद से दिल्ली में दुकानें और मार्केट खोलने की भी परमिशन दे देनी चाहिए। जहाँ दिल्ली में पॉजिटिव केसों की संख्या में अब कमी आने लगी है, तो मार्केट को खोला जाना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से घर चलाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल खुलने चाहिए, जो इन्होंने फैक्ट्रीज़ और ये कंस्ट्रक्शन को जो इन्होंने परमिशन दी है। आप मुझे ये बताओ, जो कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल आना है, और जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल चुना है, वो शॉप पे तो मिलता है। जब शॉप हमारी खुली नहीं रही तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में जो दुकानदार हमारे को यहाँ पर चैलेंज हो रहा है, उनको EMI भी पे करनी है, बच्चों की फ़ीस भी करनी है, दुनिया भर के खर्चे हैं, वो तो कम नहीं हो रहे ना। अगर हमारे केसेस डाउन हो गए हैं, ऑड इवन के हिसाब से खोल सकते थे या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के खोल सकते थे, 3 घंटे की 5 घंटे की, इनको खोलना चाहिए। क्योंकि अब आज लास्ट जो केस आए हैं 496 आए हैं, तो अब बहुत केस कम है। देखो, कोरोना जब तक पीक पे था हम एग्री थे, हमने खुद मार्केट बंद करी,
लेकिन अब कोरोना डाउन है तो इनको खोलना चाहिए। ये गांधीनगर मार्केट और जो शांति मोहल्ला मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कपड़ा मार्केट। शांति मोहल्ला में जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो मिलता है। अभी जैसा कि केजरीवाल जी ने ये कहा कि हम लॉकडाउन खोल रहे हैं, धीरे धीरे खोलने की प्रक्रिया शुरू की है, उस तरीके से खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कंस्ट्रक्शन खोल देते हैं, फैक्ट्री खोल देते हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री वालों को कच्चा माल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो कहाँ से वो माल तैयार करेंगे? व्यापारिक दृष्टि से जो भी मार्केट हैं, जो अपने ऑफिसेज हैं या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट उन्होंने कह दिया खोल लीजिए, लेकिन इस खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जब कोरोना के पिछन बढ़ रहे थे, व्यापारियों ने कहा था, समर्थन दिया था केजरीवाल का और LG का भी, कि लॉकडाउन लगाओ, और उन्होंने लगाया भी। आज व्यापारी की रीढ़ की हड्डी टूटने लगी है, व्यापार धीरे धीरे डाउन होता जा रहा, सब कुछ होता। जब व्यापारी तब समर्थन में थे और अब भी उनका समर्थन लेना चाहिए, चाहे ओड इवन के हिसाब से ले। व्यापारी आज चाहता कि खुले, क्योंकि उनको 10 काम और हो जाएंगे, लेबर का खर्चा है, सब कुछ खर्चा है, फीस का खर्चा, कई ऐसी चीज़ें जिनमें दिक्कतें आ रही हैं। भाई साहब, मार्केट जो है 7 तारीख के बाद खुलनी चाहिए, और यहाँ के दुकानदार सब बहुत दुखी हैं। लोगों के घरों में रोटी के लाले हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो इसलिए हमारी दिल्ली सरकार से अपील है कि दुकानों को जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे कि लोगों के खर्चे पानी का जुगाड़ हो सके। बहुत परेशान हैं लोग। ये चाहते हैं कि 7 तारीख को पूरा बाज़ार खुलना चाहिए। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोल दी, इलेक्ट्रिशियन सारे खोल दिए, और जो है कंस्ट्रक्शन खोल दी, फैक्ट्रियाँ खोल दी। तो हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो हमारे से ही सोतला व्यवहार क्यों? नहीं, थोड़ा बहुत राहत तो देनी चाहिए ना। हाँ, मार्केट थोड़ी बहुत पटरी वगैरह लगनी चाहिए। ये जो केजरीवाल साहब ने स्टेप उठाया है, अपने हिसाब से सोच के उन्होंने ये उठाया है कि फैक्ट्री खोल दी जाएंगी तो काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि दुकानें पहले से ही करीब 1.5 महीने से बंद हैं, और उनके अंदर जो माल ब्लॉक है वो जब तक निकलेगा नहीं, तब तक दूसरे माल कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। फैक्ट्री खोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री वालों के पास ऑलरेडी पहले भी स्टॉक है। अगर आपने खोलनी थी तो पहले दुकानें खोलते हैं। अगर दुकानें अगर आप खोलते हैं तो वो जो माल बिक जाएगा, माल बिकने के बाद फिर हम नया माल परचेज करने की सोचेंगे, नहीं तो कैसे सोचेंगे? नहीं, ये मतलब प्रक्रिया बिल्कुल समझ से बाहर है। फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं, फैक्ट्रियाँ क्या करेंगी? रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? फैक्ट्री वाला माल किसको बेचेगा? 600 केस होने पर 0.88% जब आया है पॉजिटिव रेट, उसके ऊपर भी ये अनलॉक की प्रक्रिया ढंग से नहीं खोल पा रहे हैं। जबकि यूपी के अंदर देखा जाए तो सिर्फ 20 जिलों को छोड़ दो, बाकी सब जिलों में खोल दिया गया है। तो ये अनलॉक की प्रक्रिया मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या दिल्ली सरकार ने सोच के क्या फैसला लिया है। फैक्ट्रियों के अंदर लेबर जो है बाहर गई हुई है, लेबर नहीं है। दूसरी बात, फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से काम करेंगे? उनका माल सप्लाई नहीं होगा दुकानों पर, तो कहाँ से कैसे काम होगा? ये सब बेकार की बातें हैं, दिखावटी बातें हैं, और इससे कोई हल वाली बात है ही नहीं, 1% भी हल नहीं है। मेरे हिसाब से केजरीवाल, आज मेरे ख्याल में 6 साल हो गए केजरीवाल ने बेवकूफ़ बनाया जनता को, दिल्ली की भोली भाली जनता को। हमेशा शुरू से ही गद्दी पर बेचब से बैठा, झूठ बोल के राजनीति करी है इसने जो है ना, और अभी भी यही करा इसने। बताओ, पब्लिक को कह दिया जी मैं खोल दिया, अनलॉक कर दिया। यूपी के अंदर कभी भी एक भी फैक्ट्री बंद नहीं हुई है जी, और यूपी में देखो केस कितने कितने कम केस हैं यूपी में भी, आप देख लो। जब 92% था तब सारा नॉर्मल उसने खोल दिया था, अनलॉक कर दिया था सर। आज 82% है पॉजिटिविटी, आज लोग को करने का क्या मतलब है? इसकी अनलॉक की प्रक्रिया को इन्होंने ऐसा करना चाहिए था कि थोड़े थोड़े चीज़ों को राहत देनी चाहिए थी, हर दुकानदार को राहत देनी चाहिए थी। थोड़ा सा चाहे ऑल्टरनेट डेज पे खोलते या कुछ करते, थोड़ा सा अनलॉक की प्रक्रिया को ऐसे करना चाहिए था कि सबको बेनिफिट मिले। ये कंस्ट्रक्शन और ये एक तो आई वॉश किया है, कुछ नहीं है इसमें, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जैसा कि आपने कई लोगों से पूछा होगा, सबने एक ही बात कही होगी कि कहीं पे अगर लेबर है तो मटेरियल नहीं है, मटेरियल है तो लेबर नहीं है। कोरोना महामारी से देश की रफ्तार थम गई है, लाखों दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, और साथ ही मजदूर वर्ग के लोग जो रोजाना कमाने खाने वाले हैं उनको काफी परेशानियां होने लगी हैं। जिसको देखते हुए कुछ संस्थाएं हैं जो गरीब लोगों के लिए राशन के किट उपलब्ध करा रही हैं, जिनसे उनका राशन पानी चल सके। यही नहीं, यहाँ पर इनको मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों की काफ़ी मदद हो रही है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सब सामान्य नहीं हो जाता। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और तरह तरह की गतिविधियों पे, क्योंकि देश में इस तरीके का माहौल है, उस पर रोक लगाते हुए इसको हमने सेवा दिवस के रूप में लिया है। मास्क, सूखा राशन, दूध, बच्चों के लिए दूध, फल और तरह तरह की और चीज़ें, जहाँ दवाइयों की जरूरत थी वहाँ दवाइयाँ भी। हमने अपनी राशन किटें बांटी हैं,
और राशन किट में भी एक महीने का राशन, उसके अतिरिक्त हम सैनिटाइजर, मास्क और इसके अतिरिक्त हमने जनता के बीच में जाकर जिस तरह की ज़रूरत उनको पड़ी वो हमने उनको सहयोग किया। और भोजन का वितरण हम कर रहे हैं, हमने अपने ये कांतिनगर वार्ड में काफ़ी जगह भोजन और वितरण किया है, गरीब लोगों के घर घर तक भी पहुंचाया है हमने भोजन। ये जब से कोरोना काल चालू हुआ है जब से लगातार चलता जा रहा है। जब पूर्व दिल्ली के गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर गांधीनगर की सभी मार्केट खोलने की मांग की है। वाजपेयी ने बताया कि गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट्स की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता है। लॉकडाउन और अनलॉक की वजह से हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। गांधीनगर की होलसेल रेडीमेड गारमेंट अशोक गली, सुभाष मार्केट, रामनगर मार्केट, एक्सपोर्ट सरप्लस मार्केट ने भी मांग की है कि 7 जून से मार्केट को खोला जाए। विधायक ने मांग की है कि जब मार्केट बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, तो दुकानदारों और फैक्ट्रियों के बिजली के बिल, हाउस टैक्स, पानी के बिल को भी माफ किया जाए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और जिस तारीख से 1 तारीख को अनलॉक कर दिया गया 7 तारीख तक, गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट्स की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। लाखों की संख्या में यहाँ मजदूर काम करते हैं, कई हजारों दुकानें हैं, कई हजारों फैक्ट्रियां हैं। आज केजरीवाल जी ने फैक्ट्रियां तो खोल दी, लेकिन जब फैक्ट्री खोली हैं उनकी लेबर कहाँ से रॉ मटेरियल लेने जाएगी, कहाँ से धागा लेने जाएगी, कहाँ से कॉलर लेने जाएगी, कहाँ से और मटेरियल लेने जाएगी, वो तो कुछ खोला नहीं। आज पूरी विधानसभा के अंदर जितनी दुकानदारें हैं, जितने हमारे फैक्ट्री ऑनर्स हैं, वो सब परेशान हैं, उनकी लेबर परेशान है, लेबर बाहर जा नहीं सकती और लगभग 80% दुकान किराए किराए की है। किसी के दुकान का किराया 30,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1-1 लाख रुपए किराया है। आज 7 वर्ष पहले से लॉकडाउन लगा हुआ था, अभी व्यापारियों के पास पैसे देने के लिए नहीं है, ऊपर से उनका हाउस टैक्स का बिल आ गया, उनका बिजली का बिल आ गया, हाउस टैक्स का बिल आ गया, वाटर टैक्स आ गया, ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं उससे भी व्यापारी परेशान है। मैंने इस संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर, महामहिम उपराज्यपाल से बात की है, फ़ोन भी किया है उनके यहाँ, और मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी पत्र लिखा है कि जो हमारे व्यापारी हैं उनका हाउस टैक्स खत्म किया जाए, उनका बिजली का बिल माफ़ किया जाए, उनका जो पानी का बिल आ रहा है वो माफ़ किया जाए, और गांधीनगर के व्यापारियों को कोई ना कोई रियायत दिल्ली सरकार को देनी चाहिए। आज सबसे ज़्यादा टैक्स पूरी दिल्ली के अंदर गांधीनगर से दिल्ली सरकार को जाता है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को ब्लैक फंगस से बहुत डर है। डॉक्टर्स बार बार बता रहे हैं कि हर किसी को कोविड ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस नहीं होता है, बहुत ही कम लोगों को ब्लैक फंगस होता है। दिल्ली सहित कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित किया जा चुका है। जानिए क्या है ब्लैक फंगस, इसी को बता रहे हैं डॉक्टर कुमार गांधी। ब्लैक फंगस ये एक प्रकार की बीमारी अब नई उभर के आ रही है कोविड के अंदर। अब कोविड के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, उसकी दहशत भी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन उसी के साथ दहशत फैलाने के लिए अब हमारे सामने है ब्लैक फंगस। सबसे पहले तो ये ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस सबसे पहले गलत नाम है, फंगस तो वाइट कलर का ही है। ये फंगस हम सबके नोस्ट्रिल के अंदर अवेलेबल होता है एज अ कमेंसल। कमेंसल का मतलब होता है लेमैन की टर्म में आर्मी, एज अ डिफेंस हमारे पास खड़ी होती है चीज़। लेकिन शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है कोविड के अंदर, तो यही कमेंसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यही फंगस एक्टिवेट होके रिप्लीकेट होके हमें परेशान करती है, इसे कहते हैं ब्लैक फंगस। ब्लैक इसलिए कहा जाता है कि जो टिश्यूज़ को ये डैमेज करती है, खासकर चीप और आइस को डैमेज कर रही है, वो ब्लैक कलर की हो जाती है, इसकी वजह से इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। क्या ब्लैक फंगस वाकई में इतना ही डरावना एक डायग्नोसिस है? नहीं, ये कुल 10,000 में से 3 पेशेंट में पाया जा रहा है, ये इतना ज़्यादा रैम्पेंट नहीं है, इसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
डू नॉट पैनिक, टेक प्रॉपर कंसल्टेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट. ऑलरेडी कोविड के केसेस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं. जब कोविड की बीमारी ही कम हो गई है, मैंने पहले भी यही कहा था, फिर से कहूँगा कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है. ब्लैक फंगस आज से 50-60 साल पुरानी बीमारी भी थी. मेरे ENT मित्र अग्री करेंगे कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस एनकाउंटर किया होगा. इस वक्त बढ़ा हुआ है, उसकी वजह है कि जिसको भी ये हो रहा है वो कोविड से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है, उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है और किसी कारणवश उसको स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना पड़ा है और उसकी शुगर अनकंट्रोल वे में हाई रही है. इसकी वजह से ये ब्लैक फंगस ज़्यादा फैल रहा है. इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. कुछ इसकी मेडिकेशन से एम्फोट्रेसिन बी नाम से आती है, अगर इसका कहीं इस्तेमाल करना है अगेन आप इसमें परामर्श के बाद ही इस्तेमाल करिए. पैनिक होके इसे प्रोक्योर करके घर में सेव करने की कोशिश ना करें कि कल को मेरे किसी रिश्तेदार को ब्लैक फंगस हो गया तो ये दवाई की मुझे ज़रूरत पड़ेगी. ये करने से ही ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है, चीज़ की शॉर्टेज होती है और हमें परेशानियां होती है. जब दिल्ली में कोरोना विकराल रूप पर अप्रैल मई में था तब पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर फाउंडेशन ने जरूरतमंदों को दवाइयों का वितरण किया था जो कोरोना के इलाज में ज़रूरी होती हैं, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है. इसी मसले पर हमने पूर्व दिल्ली की BJP, कांग्रेस और आप नेताओं से बात की. क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए. ड्रग्स को इकट्ठा करने का इनको दोषी ठहराया है, कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ एक्शन लो. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लोग दवाइयों के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, क्या पूर्व दिल्ली के सांसद ने ये 2000 फ्लू की टेबलेट्स, हेवीबोन की टेबलेट्स अपने यहाँ स्टोर कर ली, ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर कर लिए? मैं कहता हूँ ऐसी त्राही त्राही के समय में और अपने जो कार्यकर्ता हैं BJP के उनको और आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को वो दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर बांट दिए. फिर उन्होंने उस दवाइयों के सिलेंडर का क्या किया ये नहीं पता. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस प्रकार के जो दोषी हैं इनको सजा दी जाए. इस प्रकार जो ये दवाइयों का स्टोर किया इन्होंने उस गंभीर समय में, लोग जब आपदा पे परेशान थे, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तब ये स्टोरेज किया इन्होंने. इंसानियत के नाते गौतम गंभीर फाउंडेशन का यह कदम कि पूरे समाज में जो लोग बीमार हैं, जिनके पास कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट है, जिनके पास डॉक्टर की लिखी प्रेस्क्रिप्शन है, जिनके पास आधार कार्ड है, वे लोग ब्लैक मार्केटर्स का शिकार ना बने, वे लोग दर दर ठोकरें ना खाएं, उनको एक ही स्थान से निशुल्क दवाई मिल जाए, ये काम गौतम गंभीर फाउंडेशन ने किया तो ये काम प्रशंसनीय है, सराहनीय है, वंदनीय है. जहाँ तक गैर कानूनी काम है कि नहीं है या कानून की तिगड़म में ये काम कहाँ बैठता है, ये व्यवस्था कोर्ट देखे. लेकिन जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि ये दवाइयाँ एक केमिस्ट वाली व्यवस्था के द्वारा बटनी चाहिए थी, ना कि सांसद के दफ्तर से बटनी चाहिए थी, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी असली तकलीफ ये है कि वो चाहते थे ये दवाइयाँ ब्लैक मार्केट में चली जाएं. वहाँ पर ये 1200 रुपये वाला जो एक पत्ता है वो 10-10 हज़ार और 20-20 हज़ार रुपये में वो बेचा जा सके, ये उन लोगों की तकलीफ है जो बार बार कोर्ट में जा रहे हैं. कोरोना जैसे महामारी में जिस समय जनता को इस दवाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये दवाई को अपने कार्यालय में स्टॉक करते हैं और पब्लिक से कहते हैं आओ मेरे कार्यालय से ये दवाई लो. अरे ये कैसी राजनीति है? तो जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम सभी भी ये मांग करते हैं कि जो भी एक उचित कार्रवाई हो कानून के तहत वो सांसद गौतम गंभीर पर ज़रूर होनी चाहिए. केंद्र सरकार चाहती है कि इस महामारी से निपटने के लिए हम लोगों को हर तरह से तैयार रहना चाहिए. इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के गोयल हॉस्पिटल में दिल्ली पुलिस और एक संस्था ने 10वीं पास बच्चों को कोरोना के इलाज को लेकर तमाम जानकारियां दी. कैसे सैचुरेशन चेक करना चाहिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे लगता है, कौन सी दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं जिससे हर कोई घर में रहकर ध्यान रख सके. ऐसे बच्चों को कोरोना योद्धा भी कहा जा रहा है. आगे चलकर इन बच्चों को नौकरी भी दी जाएगी और केंद्र सरकार की तरफ से इनको सम्मानित भी किया जाएगा. अभी ये कोविड सेकेंड वेव के बाद जो ज़रूरत पड़ा है, जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है या नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग ऑर्डरली का नंबर, कई सारे जो बेसिक जो नर्सिंग एक्टिविटीज वो ज़रूरत है, उसका काफ़ी डिमांड भी आ गया, ज़रूरत भी था. इसलिए हमने जो उसी प्रोग्राम युवा प्रोग्राम को आज हम यहाँ उद्घाटन किया है गोयल नर्सिंग होम कृष्णानगर पर,
इसमें हमारे साथ सेवा भारती भी वो जुड़े हुए हैं, वो अपना कई सारे वो ट्रेनर जो रिसोर्स पर्सन हैं वो भी इन्होंने अपने साथ मिलकर कर रहे हैं। इसमें हमारा एक स्टबिया हेड फाउंडेशन है, दे आर द ट्रेनिंग पार्टनर्स। इसमें एक नर्सिंग ऑफिसर भी एम्स से आके अपना जो भी वो टीचिंग का वो करेंगे। इसमें ये 10 दिन का कोर्स है, इसमें जितने भी बेसिक चीज़ है वो हम सिखाएंगे लोगों को, ये बच्चे को 45 जो बच्चे इसमें इनरोल किए हैं, ये एक ही बैच है। ये जैसे ये बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद अगले बैच का भी हम शुरुआत कर देंगे। नहीं देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए जो स्टेप हेड फाउंडेशन है उसने इन बच्चों का सिलेक्शन किया है दिल्ली पुलिस के सहयोग से, और ये बच्चे वो हैं जो मुख्य धारा से थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर हो रहे हों और खाली हैं, तो खाली दिमाग हो सकता है ठीक तरह से ना ठीक डायरेक्शन में ना चले। तो 10th पास कोशिश की गई है, सारे बच्चे 10th से ऊपर हों ये कोशिश की गई है, और ये निःशुल्क ट्रेनिंग है। अभी हम 9 चैप्टर फर्स्ट 10 डेज में करेंगे, उसका एग्ज़ाम लेंगे, फिर उसका सर्टिफिकेशन देंगे जिसको सेवा भारती दिल्ली पुलिस एंडोर्स करेंगे, और शायद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो भी शायद करेंगे। 2500 व्यक्ति के ऊपर एक ऐसा जो आरोग्य दूत चाहिए, ऐसे इस कोरोना काल के अंदर निकल कर आया। आरोग्य दूत तो हर घर में ही चाहिए, क्योंकि घर में कुछ थोड़ी मोटी एक बेसिक ट्रेनिंग आनी चाहिए। घर में कोई बुजुर्ग है, बीमार हो गया, उसका कोई टेम्परेचर कैसे नापा जाए, उसको ऑक्सीजन का सेंटर कैसे लगाया जाए, कंसंट्रेटर कैसे लगाया जाए, ये चीज़ें, और ऑक्सीजन के मास्क कैसे लगाए जाए, ये हमारे को ज्ञान नहीं था, बट कोरोना ने सिखा दिया ये हर घर में होना चाहिए। फिर भी 2500 लोगों के ऊपर एक होना चाहिए। यदि 2.5 करोड़ जनता को, यदि मैं 2500 लोगों की कहूँगा, तो करीबन 10,000 लोगों की जरूरत है दिल्ली में। 1957 हमारी RWAs है, रजिस्टर्ड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, 50-100 ऐसी होगी जो अनरजिस्टर्ड होगी, आप मान के चलो 2000 हो गई। तो RWO की जो बैठक हुई है अभी, जिसमें सेवा भारती ने भी श्री किया है, वसंत कुंज वसंत विहार साइड में, उन्होंने कहा है कि क्या हमारे को कोई आप ऐसा आदमी इंजाम करोगे, हर RWO एक एक को अपॉइंट कर रहा है अपने RWO के अंदर, ताकि वो उनके 200-250 लोगों के घरों के अंदर एमरजेंसी कुछ आए तो एक सेवा दूत या आरोग्य दूत वहाँ उनके काम करे। तो अब क्या होता है कि एक तो क्योंकि कभी तो कोई ये पोस्ट थी नहीं, जरूरत नहीं थी, अब इसको क्रिएट करना पड़ रहा है। यदि आपको मालूम होता है कि फ़ोन है ही नहीं तो आपको उसकी कल्पना नहीं कर सकते परचेज करने की, तो ये सेवा का पता नहीं, तो आपको प्रचार करना पड़ेगा कि ऐसे आरोग्य दूत भी हमारे देश में, खासकर दिल्ली में, लोगों ने 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर उनको बेसिक ज्ञान हो गया। मैम, इसमें बताया गया कि जो आपको मतलब पैंडेमिक टाइम चल रहा है, जो उसके लिए हम यूथ को ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि हम आने वाले टाइम में ये जो टाइम चल रहा है इसको हम जो लोग हैं उनकी मदद कर सके, और हमारे आगे के लिए भी हम अपना करियर के लिए भी देख सके। मेडिसिन लाइन में मैंने सिखाया, हमें इंटरेस्ट के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप सीखोगे तो लोगों की भी मदद कर सकते हो और आपका भी फायदा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इस टाइम हम कुछ कर नहीं रहे थे, जैसे सारी चीज़ें बंद थी, तो इस कम से कम कोर्स वगैरह तो कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं इस कोर्स के अकॉर्डिंग। देश में मकान मालिक और किराएदारों के संबंधों को कानूनी रूप से परिभाषित करने की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें कई खामियां हैं। इन्हीं खामियों को दूर करने, देश में किराए की संपत्ति के बाजारों को रेगुलेट करने, किराए की प्रॉपर्टी की उपलब्धता बढ़ाने, किराएदारों और मकान मालिकों के हितों की रक्षा करने, किराए की संपत्ति से जुड़े विवादों का अदालत पर से बोझ खत्म करने, साथ ही उनका तेजी से निपटारा करने के लिए मोदी सरकार ने नया कानून लाई है। इस कानून का एक मकसद किराए की संपत्ति के कारोबार को संगठित रूप देना भी है। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के RWO मेंबर से बात की, प्रेसिडेंट से बात की, क्या कहा उन्होंने जरा आप भी सुनिए। अभी जो केंद्र ने और राज्य ने जो नया किराया कानून बनाया है उससे बहुत ज़्यादा फायदा मकान मालिकों को और किराएदारों को दोनों को ही होने जा रहा है। ये नया किराया कानून नया टेनिस कानून है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो इतने सारे केस अदालतों में चले जाते थे रेंट से रिलेटेड, किराए से रिलेटेड, या किराएदारों से मकान खाली कराने के बाबत, उनसे अभी निपटारा मिल जाएगा। ये नई अथॉरिटी का इन्होंने गठन किया है केंद्र ने, रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने वो अपील कर सकते हैं कि हमारी मकान मालिक ने हमारे पे ये अत्याचार किया, या हमारी प्रॉपर्टी पे रेंट मतलब किराएदार ने कब्जा कर लिया, इस तरह से वो 60 दिन के अंदर उसका निवारण अनिवार्य है। और अब आने वाले समय में किराएदारों को भी इससे निजात मिल जाएगी समस्या से, कि जब मर्जी जैसे मकान मालिक उनके मकान पे आके धमक जाते थे, विजिट करते थे, अब कम से कम 24 घंटे पहले
उन्हें सूचना देनी पड़ेगी किराएदार को कि हम आपके घर पे आ रहे हैं, और लिखित में या फिर मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू कि हमें आप विजिट करनी है। और दूसरा इसमें बहुत अच्छा प्रावधान ये किया गया है कि रिहायशी एरिया में अगर कोई किराए पे लेता है तो उसकी जो निश्चित राशि की गई है कि एक या दो महीने की ही सिक्योरिटी डिपॉजिट की जा सकती है। और मकान मालिकों के लिए एक फ़ायदा ये है कि अगर 11 महीने के बाद, निश्चित समय के बाद, अगर एग्रीमेंट के बाद अगर वो किराएदार खाली नहीं करता है तो मकान मालिक को ये अधिकार दिया गया है कि वह अपनी मनमर्जी से वो किराया डबल कर सकता है, चार गुना कर सकता है, या जितनी भी वो राशि तय करना चाहे वो कर सकता है, उसे अदालत मान्य मानेगी। रेंट अथॉरिटी एक बहुत अच्छा कदम है। सबसे पहले तो इससे जो चिक चिक है, जो लड़ाई झगड़ा है किराएदार और मालिक मकान का, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी होना है वो एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत होगा, इसलिए कोर्ट में जाने की तो नौबत ही नहीं आएगी। अगर कहीं कोई इशू बनता है तो वो रेंट अथॉरिटी में ही 60 दिनों के अंदर निपटा दिया जाएगा, और आगे अपील करने का भी, ट्रिब्यूनल में अपील करने का भी उसमें पूरा ऑप्शन होगा। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कदम है। इससे यकीनन जो प्रॉपर्टीज़ बंद पड़ी हैं, जो लोग दे के राजी नहीं हैं, डरते हैं देने में, वो सब खुल के मार्केट में आएंगे, प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे, जिससे कि बाज़ारों में किराया कम होगा और सरकारों का रेवेन्यू बढ़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पे। और जब मार्केट खुलेगी, जब दुकानें खुलेंगी, प्रॉपर्टीज़ खुलेंगी किराए पे देने के लिए, तो यकीनन इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा और ओवरऑल सबको फ़ायदा होने वाला है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।